श्री पधार गए हैं। राधे 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 श्री राम जय राम जय जय राम सियाराम जय जय सियाराम सियाराम जय राम श्री श्रद्धे धर्मरत्न शांति दूत पूज हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री ठाकुर जी पधार गए हैं इस कथा में, और आज मानो श्री धाम वृंदावन ही चल करके आ गया हो। हमें पूज मलुक पीठ वाले महाराज जी ने एक कथा बताई थी, एक बात बताई थी, वो बहुत ही आपको देख करके याद आ जाती है। पूज श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते थे, वृंदावन के कोई भी एक ब्रजवासी तुम्हें स्वीकार कर ले या किसी भी ब्रजवासी तुमसे नाता जोड़ ले तो ये मान लेना साक्षात श्री ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार कर लिया है। ये पूज्य महाराज जी की वाणी। तो हम तो हमारे जीवन में वैसे तो हम 6 भाई हैं, उन भाइयों में बड़े भाई हमारे ये हैं, और केवल वाणी में नहीं, मंच तक नहीं, हृदय से भी डांटने का अधिकार, डांट भी देते, समझा भी देते, लाड़ भी बहुत करते, प्यार भी बहुत करते, दुलार भी बहुत करते। सच बताएं हम बहुत भाग्यशाली हैं, आपके जैसा जो बड़ा भाई हमको प्राप्त हुआ है। श्री प्रियाकांत जो सरकार की और श्री बागेश्वर बालाजी, हम व्यासपीठ पर बैठकर यही प्रार्थना करते, काऊ की नजर ना लगे, और जो नजर लगावे वाले हैं उनकी ठटरी बरे। तो आज कथा में आप पधारे, कल भोपाल में ही आपकी कथा पूरी हुई, और एक और आपने दिव्य संकल्प इस भारत के लिए दिया। एक जमाना और आज एक ऐसा जमाना है, और एक समय ऐसा था जहां युवाओं बच्चे थिएटरों में जाकर के, डिस्को में जाकर ठुमका लगाते थे, लेकिन आपने एक ऐसी क्रांति, एक ऐसी लहर स्थापित की है कि अब युवा राधे राधे बोलकर श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं। आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने आपको देख करके कंठी माला और तिलक लगाना प्रारंभ किया। किन किन ने देखा ऐसा, हाथ उठा के बताओ। हाँ, बूढ़े भी उठा सकते, आप भी भूतपूर्व जवान ही हो। बूढ़े भी, अब जब आपके समय में जो युवान रहे होंगे वो अब बेचारे बूढ़े हो गए, तो भूतपूर्व जवान होंगे वो। तो आपने एक अद्भुत क्रांति फैलाई, और आपने कल एक बड़ा दिव्य संकल्प लिया। उस संकल्प की कल हम रात से अकेले में भी सराहना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आपने संकल्प लिया
कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि भी अयोध्या की भांति नहीं सज जाएगी तब तक आप इस देश में जगह जगह आंदोलन करेंगे। कौन कौन इस, वैसे हम भी शामिल हैं इसमें, हम भी चाहते हैं कि अयोध्या तो सज गई अब मथुरा बाकी है। ऐसे मानो अयोध्या तो झांकी थी मथुरा बाकी है। कौन कौन है इस आंदोलन में तैयार? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे, मौंदे की तो नहीं कर रहे हैं? बब्बा जी नहीं था टंगे हैं ऊपर, अब ही लफड़ा हो जाए। तो आज बड़ा ही सौभाग्य है, कल आपने कहा कि आप आओ पहले भोपाल, वहीं से फिर ये संकल्प लेते हैं। और भोपाल अपने मध्य प्रदेश की राजधानी राजा भोजपाल की नगरी से ही यह दिव्य संकल्प उठा है। हमें भगवान पर भरोसा है एक दिन ऐसा आएगा आपकी जीत होगी और भगवान कृष्ण का दिव्य मंदिर भी बनेगा। तो पूज्य श्री भी पधारे, हमारे एक भैया और विराजमान है बगल में, पूज्य श्री विजय भैया जी, आप श्री प्रियाकांत जी मंदिर शांति सेवा धाम के सब कार्य देखने वाले हैं, भगवान आपके ऊपर भी कृपा बनाए, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते। अब आगे की कथा बढ़ाने के पहले हम पूज्य भैया से प्रार्थना करेंगे कि अपने आशीर्वचन और राधे राधे, हाँ इसके बाद फिर आगे की कथा हम लोग करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। अरे डेस्क का है, हाँ? माइक, अच्छा खड़े हो राहुल कोठारी जी। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री सन्यासी बाबा की जय, साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, राधे 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 राधे। देखो सुनो, हम धीरे सुनने के आदि नहीं है, न धीरे बोलते न धीरे सुनते, चकाचक बोलते और चकाचक सुनते। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? व्यासपीठ पर विराजमान मेरे प्यारे प्रिय, अभी व्यासपीठ पर विराजमान है इसलिए पूज्य महाराज श्री महाराज जी ने जिस तरीके से एक धर्म में युवाओं में जो एक क्रांति लाई है वो अद्भुत है, और ऐसी क्रांति जो हम सब के लिए सनातन के लिए बहुत जरूरी है। हमने देखा है हमारे जीवन में कई बार ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई भी परेशानी के कारण हमारी सनातन बहन बेटियां यत्र तत्र लोगों के पास जाती थी अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन इलाज के बहाने जो उनके साथ में वहां दुर्व्यवहार होता था वो हम इस माइक से बोल नहीं सकते। और हम इस बात से बहुत प्रसन्न हैं कि बालाजी महाराज अपनी कृपा हमारे भैया पर अनुज पर इतनी की हुई है कि आप लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं और बंद कमरे में नहीं करते हैं, कथा पंडाल में करते हैं, कैमरों के सामने करते हैं, इसमें कुछ छिपाने योग्य नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, कमरे में बैठे हुए लोग क्या जाने के विश्वास किसको कहते हैं,
और अंधविश्वास किसको कहते हैं? जिन्होंने कभी अपने मां बाप पे, अपने धर्म पे, अपने भगवान पे विश्वास न किया हो, उन्हें क्या पता बालाजी का विश्वास क्या होता है। जो एक जगह पर बैठकर कहते कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान को नहीं मानता, तो जब तुम भगवान को ही नहीं मानते तो फिर चमत्कार को कैसे मानोगे, हनुमान जी की कृपा को कैसे मानोगे, क्योंकि तुम्हारी नजर में तो हनुमान जी है ही नहीं। और जिनकी नजर में नहीं है वो नहीं जान पाएंगे कि बालाजी क्या है, कृपा किसको कहते हैं। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। कौन ऐसा है जो हनुमान जी की कृपा को ठुकरा सकता है? कोई भी नहीं। जीता जागता सबूत हमारे मध्य में व्यास पीठ पर विराजमान हमारे पूज्य भाई श्री हैं, जो हमारे अनुज हैं, जो बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की कृपा के पूर्ण कृपा पात्र हैं, जो आज हमारे मध्य में। देखिए ना, यहां से जहां तक जा रहे नजरे सरीसर नजर आ रहे हैं। अब जिनकी खो पड़ी, किसी के होता है सर और किसी की होती है खो पड़ी। सर तो झुकने के लिए है, पर जिनकी खो पड़ी, खो पड़ी का मतलब है जो खोई पड़ी वो है खोपड़ी। जिनकी खो गई है और कहीं पड़ी है वो क्या जानेंगे कि बालाजी महाराज का क्या कृपा है और क्या चमत्कार है। परख सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें, दिखाई हनुमत क्या देगा जब न हो जब तक ज्ञान की आंखें। मैं बार बार व्यासपीठ को नमन करता हूं। मुझे पता है कि आप महाराज जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन इतने बड़े सनातनियों के बीच में कल जो हमने एक संकल्प लिया है, उस संकल्प को व्यासपीठ के आगे दोहराते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो संकल्प है कि जैसे भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है कोर्ट के माध्यम से, जैसे भगवान श्री राम आजाद हो गए हैं, हम और आप सनातनियों को मिलकर एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अब हमारे भगवान श्री कृष्ण भी आजाद हो जाएं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अगर हमारे घर का कोई सदस्य, कारागार में कैद हो, क्या हमें रोटी अच्छी लगती है? क्या हमें कोई कपड़े नए पहनने का मन करता है? जवाब देते जाइएगा। सिर्फ कथा सुनने को हिंदू नहीं कहते, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल साइट पे हिंदू बनना बंद करो। अगर हिंदू बनना है तो दिल से हिंदू बनो, और जब दिल से हिंदू बनोगे तो कृष्ण जन्मभूमि बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। हमारी प्रॉब्लम ही यह है, टीवी पे हम हिंदू बनेंगे, फेसबुक पे हम हिंदू बनेंगे, सोशल साइट्स पे हम हिंदू बनेंगे, और घर में सुबह 12 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ेंगे, माथे पे तिलक नहीं लगाएंगे, गले में कंठी नहीं पहनेंगे, अपने माता पिता के पैर नहीं छुएंगे। इसलिए दिखावे के लिए नहीं, सच्चाई के लिए हिंदू बनना पड़ेगा, सनातनी बनना पड़ेगा, और अपनी आवाज जैसे और लोग उठाते हैं संविधान के अनुसार, वैसे हमें भी अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। जितने भी लोग यहां बैठे एक बात समझ लीजिए, बिना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती, याद रखना। अगर तुम मांगोगे नहीं तो तुम्हें कृष्ण नहीं मिलेंगे, कृष्ण भूमि नहीं मिलेगी, काशी नहीं मिलेगी। अगर मांगोगे तो जैसे राम मिल गए हैं वैसे कृष्ण भी मिल जाएंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं। इन 26 साल के कथाक्रम में भगवान ने मुझे बहुत दिया है, भारतवर्ष में, भारत के बाहर सनातनियों ने मुझे बहुत दिया है, इतना लाड़ प्यार, इतना दुलार, इतना अपनापन दिया है। मुझे लगता है
कि मेरे बाद अगर इतना किसी को मिला है तो मेरे भाई को मिला है। और मैं चाहता हूं कि भगवान जितना मुझे मिला है आप लोगों का प्यार स्नेह उसके हजारों गुना मेरे भाई को और मिलता चला जाए। लेकिन आज मैं आपसे एक बात करने आया हूं। कल हमने ये संकल्प लिया है एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे और एक ऐसा आंदोलन करेंगे कि 100 करोड़ हिंदुओं को यह पता चले कि हमारे कृष्ण अभी बंदी गृह में है। आप जानते हैं जहां पे गर्भगृह है, जहां भगवान का जन्म हुआ है, वहां कोई व्यक्ति दर्शन करने नहीं जा सकता। आपको मालूम है ये बात? उसके ऊपर गुम्मद बना हुआ है, वहां कोई दर्शन करने नहीं जा सकता। वहां मिलिट्री के हजारों लोग उस जगह की रक्षा करते, सुरक्षा करते। अगर आज मैं कह दूं ना यहां से कि कल मैं गर्भगृह के दर्शन करने जाऊंगा और वहां पूजा करूंगा, मैं दिल्ली एयरपोर्ट से निकलूंगा नहीं उससे पहले चारों तरफ मेरे पुलिस होगी, तो बताओ जब मेरे भगवान की हालत हो तो तुम नए कपड़े कैसे पहन सकते हो, तुम भोजन कैसे चैन से कर सकते हो। जब मेरा भगवान अरेस्टिंग हो, मेरा कृष्ण सैनिकों के देख रेख में हो और हम लोग आराम से बैठकर रोटी खाएं, मैं तो कहता हूं खाओ, ताकत बढ़ाओ और आंदोलन में इतने शामिल हो जाओ कि हमारी बात को भारत सरकार भी सुने, हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट भी सुने और हमारी बात को वो लोग भी सुने जो हमारी जगह पर अपना अधिकार जमाते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा, जो बोला करो जोर से बोला करो, धीरे मत बोला करो। दुल्हनों का अभी ब्याह होके आया, बोलोगी तो सास लड़ोगी, सास लड़ जाएगी तुमसे। अरे इतने जोर से बिंदास बोलो कि तुम यहां बोलो और आवाज 57 कंट्रियों में पहुंच जाए कि अब हिंदू जाग रहा है, सनातनी जाग रहा है। इतनी जोर से आवाज होनी चाहिए तुम्हारी, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अब बताइए कौन कौन उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में मेरा साथ देंगे, मेरे भाई का साथ देंगे। देखो मैं अलग नहीं हूं, भाई अलग नहीं, हम दोनों एक ही हैं। और अब एक नहीं है, एक और एक क्या है? तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। आनंद आएगा जब हम और तुम मिलेंगे और 11 हो जाएंगे, और हम भाई मिलकर 11 हो गए हैं। और सच मानिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक अपने कन्हैया को उस कारागार से, एक कारागार वो थी जहां कंस ने बनाई थी, आज कारागार वो है जो कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने आक्रमण करके मथुरा के ऊपर हमारे कृष्ण के मंदिर को तोड़कर हमारी सनातन धर्म की छवि को तोड़ने का काम किया था। जब तक उन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं दे देंगे, सच मानिए मैं चैन से नहीं बैठूंगा चाहे उसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़े। आप सभी से एक प्रार्थना कर रहा हूं भैया के सामने, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जिस सोशल साइट्स पे आप हो, अपने नाम के पीछे सनातनी लिखना प्रारंभ कर दो और आज से तैयारी शुरू कर दो कि जब भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा कृष्ण जन्मभूमि के लिए, हम अपने जीवन का कुछ महत्वपूर्ण समय अपने कन्हैया और कन्हैया की आजादी के लिए अवश्य लगाएंगे, ऐसा संकल्प करके यहां से जाना। कौन कौन कर रहा है ये संकल्प कि हम उसमें समय देंगे अपना? जितने यहां बैठे सिर्फ इतने ही आ गए ना तो 57 कंट्री हिल जाएंगी कसम से, सिर्फ जितने यहां बैठे उतने ही आ जाए। और मुझे पता है जिस दिन वो आंदोलन प्रारंभ होगा इतने नहीं आएंगे, इसके हजारों गुना आएंगे। मुझे मेरे कन्हैया के भक्तों पर विश्वास, हनुमान जी के भक्तों पर विश्वास है। हम लोग बालाजी महाराज की शरण में बैठे हैं, मुझे बता दीजिए हनुमान जी महाराज का काम क्या था, बताइए क्या काम था हनुमान जी का? रुक जाओ ए फोटोग्राफर, रुको,
हमको बताओ हनुमान जी काम क्या करते थे? जब जब भगवान पर संकट आया तब तक संकट मोचन बनकर श्री हनुमान जी महाराज राम जी के जीवन में आए। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, संजीवनी कौन लाए? जोर से बोलो। सीता जी का हरण हुआ, पता करके कौन लाए? रावण अहंकारी हुआ तो लंका किसने जलाई? सुसेन वैद्य को लेकर कौन आया? जोर से बोलो। रावण को एक ही मुक्के में, महाराज जी सुनाते हैं वो कथा, कैटेगरी का महाराज जी, वो कैटेगरी का था वो, हाँ वो वाला 160 डिग्री। अभी सुना दिया कि सुनाएंगे एक दिन? अभी नहीं सुनाया महाराज जी, सुनाना वो एक एक दिन में सुनूंगा, मैं भी सुनूंगा, बता देना मैसेज करके कितने बजे वाला वो कौन सी इतनी डिग्री का पता नहीं, 160 डिग्री बताते महाराज जी। ब्रह्मा जी को आके बताना पड़ा कि थोड़ा डिग्री कम करो। मैं अभी नहीं बोलूंगा, अब तो महाराज जी बताएंगे। इनका बताने का वो जब बुदेलखंडी में बोलते हैं ना, वो डिग्री घटाते हैं, वो डिग्री घटाने का स्टाइल, आई लाइक इट, आई लव इट, डिग्री घटा दुनिया। दुनिया डिग्री बढ़ाने को लाइक करती है और मैं इनके डिग्री घटाने वाले स्टाइल को सीरियसली आई लव इट, बहुत अच्छा लगता है वो जब आप बताते, वो भी बुदेलखंडी भाषा में। अब हम इनके बागेश्वर धाम में हमने कथा की थी और वहां हमने एक शब्द सुना था महाराज जी के मुंह से, ठठरी, और बाद में हमने सुना वो ठठरी भी एक अजीब चीज हो गई है बाद में। तो हनुमान जी महाराज जिन्हें ब्रह्मा जी ने आके कहा कि अपनी डिग्री कम करो, रावण में एक मुक्का मारा तो रावण को ब्रह्मांड दिख गया था। जब राम जी को भरत जी को संदेश देना था तो संदेश लेके सबसे पहले कौन गए? जोर से बोलो। इसका मतलब जानते हो, जब भक्त को जरूरत पड़ती है तो भगवान सेवा करने पहुंच जाते हैं और जब भगवान को किसी चीज की जरूरत होती है तो हनुमान सेवा करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कृष्ण जी के कार्य को करने के लिए हम सबको हनुमान जी का कृपा पात्र बनना पड़ेगा। अर्जुन बनकर एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिस लड़ाई में हम अपने कृष्ण को आजाद कर सके, मुक्त कर सके, जो सबको मुक्ति देने वाला है। हम संसार के इन बंधनों में जो कुछ लोगों ने हमारे भगवान को बंदी बना रखा है, हमें इसमें कार्य अवश्य करना होगा। और याद रखना, दो दल होंगे, एक पांडवों का दल होगा और एक कौरवों का दल होगा। ये हमें और आपको सुनिश्चित करना है कि हमें पांडवों के दल में खड़ा होना है कि हमें कौरवों के दल में खड़ा होना है। लड़ाई एक बार फिर होगी, महाभारत एक बार फिर होगा, कृष्ण का सुदर्शन एक बार फिर चलेगा और वो सुदर्शन चक्र फिर से एक बार सत्य की विजय करवाएगा और पुनः धर्म जीतेगा और पुनः हमारे सनातनी आजादी में अपने कन्हैया की पूजा मथुरा में चलकर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम और आप एक स्वर में आवाज लगाएंगे, कृष्ण को आजादी के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएंगे। और ये सब संभव है। आपसे एक बात कहकर अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, जो सुरक्षित हो आने वाली पीढ़ी, मैं ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूं, मैं ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूं। व्यासपीठ को बार बार नमन, अधिक समय लिया उसके लिए व्यासपीठ से भी क्षमा और आप सब जनता जनार्दन से भी मैं क्षमा चाहता हूं। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा मेरे प्यारे, ना जी ना, आपको जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अब बैठ जाइए, ये मत करिए, आप शांति से बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए प्लीज। राधे राधे। पूज्य श्री ज्येष्ठ भ्राता श्री ने जो संकल्प लिया है, हम आप सबका दायित्व है इस संकल्प को
पूरा करने का, क्योंकि भगवान कृष्ण केवल भैया जी के नहीं है। अरे नटवर नागर नंदा हरि बोल।